देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन 20 नामांकन दाखिल हुए। अब तक वार्ड 11 में सबसे अधिक 5 नामांकन दाखिल हुए हैं, जबकि महापौर पद के लिए अभी तक एक ही नामांकन दाखिल हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 8 नगर परिषद के लिए भी 20 नामांकन दाखिल किए गए हैं। निगम चुनाव के साथ ही नगर परिषद के चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को नामांकन के तीसरे दिन पार्षद पद के लिए 20 नामांकन फॉर्म दाखिल हुए हैं। मंगलवार को सबसे अधिक 4 नामांकन फॉर्म वार्ड 11 के लिए प्राप्त हुए। वार्ड 2, 54, 40, 49 में 2-2 नामांकन फॉर्म दाखिल हुए हैं, जबकि वार्ड नंबर 10 में 1-1 नामांकन दाखिल हुआ है। सोमवार तक पार्षद पद के लिए 8 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। मंगलवार के 20 मिलाकर अब तक 28 नामांकन पत्र पार्षद पद के लिए प्राप्त हो चुके हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी मुनीश सिकरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद में पार्षद पद के लिए भी 20 नामांकन दाखिल हुए हैं। महापौर पद के लिए अब तक सिर्फ 1 निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म दाखिल हुआ है। बुधवार को कांग्रेस से महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। नगर निगम में महापौर पद के लिए एक भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और नगर निगम इंदौर के लिए पार्षद पद के लिए 20 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार विभिन्न नगरीय निकाय जो नगर निगम इंदौर के अतिरिक्त इंदौर में है, जो कि 8 नगरीय निकाय हैं, उनमें विभिन्न पार्षदों के लिए भी 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। हाँ, कई सारे फॉर्म हैं जो कि अभी पार्टी के द्वारा संबद्धता लिखाते हुए लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन जब वो फॉर्म 8 और 9 देंगे तभी उनकी संबद्धता पार्टी के साथ मानी जाएगी, अन्यथा वो निर्दलीय के रूप में मानी जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम।